सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। फिलहाल हम लोग अभी पैकिंग कर रहे हैं, सब कुछ सेट करके हम लोग निकल रहे हैं टुवर्ड्स ज़ांस्कर। अभी जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे, एक बजे के पहले वो चेक पोस्ट क्रॉस करना होता है। राइट नाउ इट इज़ अराउंड 9:30, 9:45 हो गए, तो एक बजे के पहले क्रॉस होगा क्या, आई एम नॉट श्योर। नहीं भी हुआ तो जिस्पा में रुक लेंगे, या तो कीलोंग में रुक लेंगे, या तो दारचा में रुक लेंगे, देखते हैं। आराम से जाएंगे, फोटोज़ वोटोज़ रील्स और वीडियोज़ और ड्रोन शॉट्स निकालते निकालते, ताकि कंटेंट आपको जो है वो अच्छा मिले। और ये व्यू, ये कितने भी बार मैं ये व्यू दे सकता हूँ, इतना अच्छा व्यू है यार। और आज वेदर थोड़ा क्लियर है, अभी सुबह सुबह क्लियर ही होता है। तो जब से ट्रिप स्टार्ट हुई है तब से मैं भूल ही गया कि चाय सुर के पीना होता है, और हमारे सब्सक्राइबर लोगों ने याद दिला दिया कि आपने सुर के चाय पी ही नहीं, तो आज पियेंगे। थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। बढ़िया चाय यार, बढ़िया चाय, बढ़िया सा व्यू और बढ़िया सा वेदर। मनाली मनाली कवाली कवाली। तो जी बात ऐसी है कि मेरा ड्रोन हो चुका है बूढ़ा, अपना ड्रोनाचार्य 4-5 साल पुराना है, और ये थोड़ा सा अभी बुढ़ापा आ गया ना, तो थोड़ा लड़खड़ा जाता है। अभी ये बालकनी से उसको उड़ाने का थोड़ा सा डर लग रहा है। तो ये देखो हमारे हेलीकॉप्टर का लॉन्च पैड, ऐसे लॉन्च करेंगे। वैसे तो अभी तक GPS पकड़ा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। तो अपना बादल हो रहा है, कोल्ड स्टार्ट है। देखो इतना सारा सामान अभी बादल पे जाएगा, तो इसको 10 मिनट लग जाएंगे। उसके पहले सामान लोड कर दिया तो ये टायर नीचे आ जाता है ना, तो उसको पहले लूप कर देंगे। सो लगे स्वागत आप सबका मेरे चैनल पे, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। राइट नाउ इन मनाली, लीविंग फॉर ज़ांस्कर। सनी जायसवाल, दिस इज गेजलिंग इन वर्धान हिल्स। तो वर्धान हिल्स की प्रॉपर्टी में अगर आते हो तो इनसे मिलना। ऑल प्रॉपर्टीज में। चलो ठीक है, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी में जाओ, कोई टेंशन नहीं है, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। ओके ओके सर, थैंक यू, बढ़िया लगा मिलके। जी थैंक यू सर, थैंक यू। चलो अभी सामान बांधते हैं और निकलते हैं। भैया ये जेरिकन कितने का है? ये 90 का है, ये 150 का है, ये 5 का है। ये 5 लीटर और ये 10 का है। ये दे दो भैया, ये छोटा वाला दे दो। तो यहाँ पे हम लोग अभी मनाली में पेट्रोल भर रहे हैं, क्योंकि आगे मिलेगा कीलोंग और वहाँ पे पेट्रोल पंप तांडी में, लेकिन सेफ साइड भर लेते हैं। और कैश भी निकालना है, ये साइड में कैश रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि पेट्रोल पंप पे सपोज कार्ड नहीं चला तो कैश ही देना पड़ेगा। फुल कर दो भैया। ये देखो कितने सारे जरिकन लेके जा रहे हैं। चलो यहाँ पे ATM मिल गया, पैसे निकाल लेते हैं। तो हमारा एक्चुअल सफ़र अभी शुरू हो गया है। देखो दारचा 92 है, रोहतांग 44, पर रोहतांग तो हम नहीं जाएंगे, और अभी यहाँ से असली एडवेंचर शुरू, मजा आएगा। और ठंड जो है गाइज वो बढ़ती जा रही है, अभी धूप में फिर भी हमको ठंडा ठंडा कूल कूल ऐसा लग रहा है, और हल्का सा पावर ड्रॉप मुझे लग रहा है, फील हो रहा है एक्सपल्स पे, ऑब्वियसली क्योंकि अभी हाइट बढ़ती जा रही है, और जो घाट है वो भी अभी एग्रेसिव हो रहा है। अटल टनल 4.5 किलोमीटर्स। हम आ गए अटल टनल दूसरी बार, अल्टीट्यूड 10,040 फीट, इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट टनल। 360 कैमरा भी निकाल के रखता हूँ। यहाँ पे 40 की स्पीड लिमिट है, तो स्पीड लिमिट में रहना पड़ेगा। वाह अभी देख कितना बड़ा है, मजा आ जाएगा। बढ़िया, और कितना ठंडा हो गया अंदर, एकदम चिल्ड है। और यहाँ पे देख स्पीड लिमिट बढ़ गई, अभी 60 हो गई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और ये टनल के बाहर निकल गया, और ये देखो भाई साहब पूरी दुनिया बदल गई। ये देखो अभी रोहतांगला का ये रास्ता पुराना काजा, यहीं से जाता है स्पीति, सुमडो, अपना ले कारगिल श्रीनगर लेफ्ट। सही है भाई, सही है, बहुत हार्ड। तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, शायद से ये फी लेते हैं। यहाँ पे 2-व्हीलर का 50 रुपये, कार का 200। हाँ तांडी 12 किलोमीटर है, तो तांडी में आई थिंक लास्ट पेट्रोल पंप है, लेकिन सुनने में आया कि तांडी के आगे भी एक पेट्रोल पंप खुल गया है,
बट अगर आप जा रहे हो इस साइड तो सेफ साइड तांडी में भर लो, पता चले सामने वाला बंद है या यू नो कोई प्रॉब्लम है तो फिर वापस पीछे ना आना पड़े। और ये देखो नज़ारे, बस अभी नज़ारे ख़त्म होने नहीं वाले हैं, उल्टा और अच्छे होने वाले हैं जैसे जैसे आगे हम जाएंगे, जैसे जैसे ये सफ़र आगे बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे आके एक अलग ही सुकून मिलता है, हर साल एक बार तो मेरा फिक्स होता है मैं ट्राई करता ही हूँ कि मैं ये साइड आऊँ। और अपने बादल का परफॉर्मेंस सो फार अच्छा है, ज़्यादा एल्टीट्यूड पे हम लोग है नहीं, अभी अराउंड 10,000-11,000 फीट पे है, तो यहाँ पे इतना फ़र्क नहीं हो रहा है गाड़ी के परफॉर्मेंस पे। ऊपर से लगेज बहुत है ना, फिर भी अच्छी खासी खींच रही है, तो सो फार मुझे कोई दिक्कत आई नहीं है। लेकिन अगर कोई दिक्कत आती है, जो भी एक्सपीरियंस है अच्छा बुरा, मैं सब शेयर करूँगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और असली एडवेंचर करेंगे। फिलहाल के लिए नज़ारों का मज़ा ले लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मौसम बदल गया है। होता क्या है ना कि पहाड़ों का मौसम और मुंबई का फैशन का कोई भरोसा नहीं, कभी भी चेंज हो सकता है। तो ये देखो ये रहा तांडी का पेट्रोल पंप, नेक्स्ट फिलिंग स्टेशन 365 किलोमीटर लिखा है। एक बार ना जेरी कैन भर लेते हैं, वो बेटर होगा। मैं बोल रहा हूँ जेरी कैन भर लेते हैं, नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चल के 57 किलोमीटर हो गई है तो 1.5 लीटर पेट्रोल तो खा लिया है, तो भर ही देता हूँ, टेंशन नहीं ना। जेरी कैन भर लेते हैं, अच्छी बात है कि टॉप बॉक्स में जा रही है, एक बार इसको खाली कर देना है बस, कुछ अंदर हो ना। बस 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 480 ठीक है, कुछ पन्नी का जुगाड़ करते हैं, है क्या? चलो ठीक है। तो जब भी आप पेट्रोल भरोगे ना थोड़ा सा कम भरना, जो एक्चुअल जेरी कैन होते हैं पेट्रोल कैरी की उसमें रिलीज एयर रिलीज का ये होता है मैकेनिज्म होता है, तो वो एयर रिलीज कर देता है, लेकिन ये तो प्लास्टिक का नॉर्मल है। डबल कर दे, ये काम चला हुआ, डबल इसको जमा कर दे अंदर, बस थोड़ा इंक्लाइन में रखते कि उसको इंक्लाइन में कैसा रहेगा, इन्हें ओवर ठो बस, अभी तो मैं ऊपर आ गया उसका, ठीक है चलो डन। अब थोड़ी ठंड बढ़ रही है, जैसे छाव में आते हैं ठंड, अभी धूप में थोड़ा गर्म लगता है बट फिर भी ठंड तो लग रही है। और इस बार मैंने डायमॉक्स जो है वो खाई नहीं है, क्योंकि अभी इतने बार मैं हाई एल्टीट्यूड पे जा चुका, तो आई वांट टू टेस्ट माय बॉडी। 4 बार मैंने खाई है जितने भी बार मैं आया हूँ हाई एल्टीट्यूड्स पे, तो इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ना खाऊँ और मेरी बॉडी खुद ब खुद एक्लेमेटाइज हो जाए, तो होप सो कुछ तकलीफ ना हो। वैसे जिन लोगों को पता नहीं डायमॉक्स एक टैबलेट होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे खानी पड़ती है। ये देखो कीलोंग राइट, कीलोंग मार्केट राइट, ओके उपासक फिलिंग स्टेशन, हाँ कीलोंग, यहाँ पे नया खुल गया है। अभी ये लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके बाद आपको डायरेक्टली 350 किलोमीटर बाद मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ मैं 1 लीटर भर लूँ यार, मेरे पास एक खाली बॉटल पड़ी हुई है। कब तक आ जाती है लाइट? 10-15 मिनट में आती है। ये देखो ये मैं बोल रहा था आपको, देखो अभी लाइट चलेगी, बहुत अनसर्टन होता है, तो जहाँ जहाँ मिले ना मौका मिले पेट्रोल भर लेना चाहिए। अभी लाइट नहीं है, अभी जैसे ये दो बंदों ने अभी भर लिया पेट्रोल, उनका नसीब उन्होंने भरा 2 मिनट में लाइट चली गई, नहीं तो वो लोग क्या करते, वापस पीछे जाना पड़ता, पता चले वहाँ पे भी लाइट नहीं है। तो रिस्क नहीं लेना चाहिए ऐसी जगह पे, जितना हो सके पेट्रोल लेके चलो। तो ये कीलोंग का फ्यूल स्टेशन, कीलोंग में आपको अभी नया वाला मिल जाएगा। चलो छोड़ो, अभी पेट्रोल तो है अपने पास तो आई थिंक काम तो हो ही जाएगा। तो ये देखो ये आ गया अपन कीलोंग, अल्टीट्यूड 10,980 फीट। यहाँ पे आपको छोटी मोटी चीज़ें जैसे बाइक का कुछ काम हो गया ये सब मिल जाएगा, मैकेनिक शॉप्स, जेरी कैंस भी मिल जाएगी और आई थिंक ATM भी मिल जाएगा। तो ये आपका एक मेजर स्टॉप है आगे बढ़ने से पहले, एक बड़ा स्टॉप है, इसके बाद फिर दारचा आएगा, जिस्पा आएगा वहाँ पे मिलेगा, लेकिन कीलोंग थोड़ा बड़ा है। क्या व्यू है, वाह। तो जिस्पा इज ओनली 15 किलोमीटर्स नाउ, जिस्पा ही हम लोग रुक जाएंगे क्योंकि फिर आगे दारचा, फिर वहाँ से हम टर्न मारेंगे टूवर्ड्स जांचकर। अभी वहाँ पे अलाउड नहीं होगा, 1 बजे तक वो चेक पोस्ट पे एंट्री मारना होता है, तो आज नहीं हो पाएगा, अच्छी बात है, रिलैक्स राइड आराम से, जिस्पा में भी स्टे करेंगे, एडिटिंग करेंगे, सब काम हो जाएंगे। चलो तो जिस्पा ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे कैंपिंग साइट्स बहुत है, तो
देखते हैं, रेट्स पूछते पहले कैसा है और उस हिसाब से प्लान करते हैं। क्या रेट है? 1000 रुपीज़ पर पर्सन, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट डिनर। चलो यहाँ पे 900 रुपये एक आदमी का बोल रहे हैं, एक बार नीचे जाके भी देखते हैं। नीचे थोड़े बड़े लग रहे हैं मुझे कैंप्स। ये भी मस्त जगह है रे, प्यारी जगह है। अपने को ना अपने को नेटवर्क भी देखना पड़ेगा जहाँ पे भी स्टे कर रहे हैं। स्पीड टेस्ट कर रहे हैं, वीडियो डालना होता है ना तो स्पीड चाहिए होती है। अरे एक नंबर, डाउनलोड तो अच्छी है। बस अपलोडिंग आ जा, अपलोडिंग आ जा। अपलोडिंग 3 Mbps है। ये क्या माउंटेन वाटर है? ये यही का पानी है? पहाड़ों का पानी। पहाड़ों का पानी। तो आ गई है हमारी गर्मा गर्म चाय। ये देखो लाइफ के मजे, चाय, बाइक्स और पहाड़। तो जिसपा में पहली चाय सुर के पियेंगे। अरे अरे नहीं नहीं, अरे पाप लगेगा, पाप लगेगा। चीयर्स। बस चाय बनी है। बढ़िया इलायची डाली यार। चाय सबसे पहले आते ही चाय का वो चाय का मजा आना चाहिए। चाय का मजा आना चाहिए ताकि जो है सफर का सब थकान दूर हो जाए। सही बात है। तो ये देखो, ये है हमारा टेंट, हमने चूज किया नंबर 4। कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी अंदर जाएंगे। क्या बात है, दो लोगों की सोने की जगह यहाँ पे है, एक्स्ट्रा बेड की जगह यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है जी? अच्छा, चप्पल स्टैंड। और यहाँ पे है इनका बाथरूम। और इसके पीछे एक किलर सा व्यू है, रिवर साइड, बाजू में नदी है। लेकिन वहाँ जाने से पहले अपना पंछी उड़ा लेते हैं और आपको जगह की खूबसूरती दिखाते हैं। है मेरा हिमाचली लुक, मस्त लग रहा है ना? थोड़ी छोटी हो गई हिमाचली बॉर्डर से। तो इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, सोच रहे कि रिवर साइड आपको दिखा दें। सो मच, जितने भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। पूछना है आपको तो पूछ लो। बढ़ती जा रही है, कान ढकने पड़ेंगे थोड़ी देर में। और कुछ खाने को मिले तो खाते, बड़ी भूख लगी है यार। मैगी का मजा है पहाड़ों में भाई, मुंबई में मैगी कभी नहीं खाता, यहाँ पहाड़ों में आके खाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो की एडिटिंग ऑलमोस्ट आधी कर दी, जैसे शाम हो गए, अंधेरे हो गए, तो यहाँ क्या करेंगे? तो फिर एडिटिंग आधी हो गई है, आधी बाकी है। अभी खाना खाएंगे, उसके बाद वापस एडिटिंग करेंगे, अपलोड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे नेट है। इसके बाद आई डोंट थिंक मुझे नेटवर्क मिलेगा 2-3 दिन, क्योंकि जांसकर में एंटर करने के बाद नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं। तो सिंपल सा खाना, रोटी, आलू गोभी की सब्जी, दाल और राइस। तो रात के बजे है 12:30 और हम लोग लगे यहाँ पे एडिटिंग के लिए। ऑलमोस्ट एक वीडियो डन है, दूसरा भी मैं करूँगा। और भाई साहब ठंड, हो मुँह से वाफ निकल रही है। एक्चुअली इट इज़ वेरी कोल्ड। और मैं आपको दिखाता हूँ टेम्परेचर, 1 degree। वाह, बाहर जाने की इच्छा भी नहीं हो रही है, जाना भी नहीं है, अभी बस एडिटिंग ख़त्म करना है। खतरनाक नींद आ रही है। फाइनली कल हम एंटर करेंगे जंस्कर वैली, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही यूनिक चीज़ें, बहुत ही यूनिक लोकेशन आपको देखने को मिलेंगे। ज़रूर बने रहे, डू फॉलो इंस्टाग्राम, लाइव अपडेट शुरू है। वॉन्डरसेन AV ट्रैवलर, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो। अरे हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा तो लाइक करे बगैर मत जाना, सब्सक्राइब करो। अपने को जल्द से जल्द 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स करने के, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना।